गुलबर्गा जाऊंगे नाचो साथ को जीता को लाएंगे तो गुलबर्गा सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा गुलबर्गा। आगे चल को अभी राशन के चावल है, राशन चावल भी नसीब नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। हाँ इंशाल्लाह नासिर साहब MLA इलेक्शन में ठहरेंगे तो हम दिल से और दिलचस्प लगा के उनको जिता के लाने की मेहनत और पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग, और BJP की चड्डी खोल के बताएंगे हम। मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं, मेरे पीछे वोट बैंक नहीं, मेरे को आप ही गॉडफादर, आप ही वोट बैंक, आपकी ताकत से जो वोट आते हैं वही वोट बैंक मेरा। और सागर का रोड था, आप एक वर्ष कितना है हम देख रहे हैं पूरा गुलबर्गा, आर कौन भी नहीं निकले। हाँ जब बोलते हैं जब इंशाल्लाह बोलते हैं, वायदा है आपका बिल्कुल खुल के साथ देंगे, करेंगे साफ फायदा करेंगे हम, फायदा है नहीं बोला हम करिए नहीं, खुल के साथ दीजिए। हाँ ठीक है बोला इंशाल्लाह, आप लोग अगर साथ देते हैं तो आगे बढ़ता हूँ, बराबर साथ देंगे। जोश के मामले में देखिए रमजान में बढ़ चढ़ के हिम्मत किया हूँ, हर चीज हम सपोर्ट में रहेंगे रहेंगे, हमारे दिमाग रहती पूरी से। ये लाइन के 80% लोग तो नासिर उस्ताद बोल रहे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी तरह से देखिए पूरा गुलबर्गा आपके हाथ में है। आज जिस व्हील पर से आप बात कर सकते हैं वो कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसमें व्हील गट्स ऐसे आपके जैसे, आपके पूरे कारनामे पूरा गुलबर्गा देख चुका है और आधे से ज्यादा लोग आपके फेवर में है। हमारा वोट आपको पूरी बात करने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, हम आपके साथ ही जाएं। यहाँ आगे 3-4 साल हुआ आई जैसी परेशानी जाए, पानी भी सही नहीं है, पानी आता छोड़ो हफ्ते में एक बार आता, दुखकाले में कम चार्टेज होता तो चंबार की तो बहुत परेशानी है समझो UGT की। हाँ देखिए इंशाल्लाह मेरे को इस बार मौका दियो, मैं वादा करता हूँ ये पूरे एरिया का UGT का काम बड़े पैमाने पर करके बताता हूँ, करना बिल्कुल वादा है, सब लोगों को बोलेंगे हमारा वोट JDS पार्टी को, तुम्हारा वोट नहीं होना तुम्हारे घर के तुम्हारे रिश्तेदारों के सबके, अच्छी बात है सब, आप सब लोग साथ देते बोलते वादा करें तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको, आपके क्या भी मसला रहेंगे मिल्लत का क्या भी मसला रहेंगे अपने आप को आगे ठहर करके लड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा, वादा है यहाँ से आपके कामयाबी के रास्ते आसान कर दे रहा हूँ, आमीन या रब, वायदा है आप साथ बिल्कुल बात करने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, जज़ाक साथ दिए तो ठहरता हूँ, वायदा करो पूरे आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको बोलेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखना किसी भी चीज़ का, अभी से बोलना आप किस पार्टी के टीम में, वायदा है आप अभी से टीम बनाना मजबूत, ठीक है दो दिन में हमारा मैच खराब कर देंगे वो दो अच्छे बुरे के लिए मैं आ गया आ रहा हूँ, लेकिन हमारे रेडिंग पूरा बोल रहा हूँ आपको, वायदा है हाँ वादा है, जहाँ तक हमारे मुर्दाब हैं हम जहाँ हैं दोनों जहाँ हैं वो आए, आपकी खामोशी क्या हो रही है दूसरे लोग जो है अरे BJP जीती एक होना बोलते घर में सोने वाले जिता रहे, 5 साल लड़ने वाले को जिताना क्या घर में सोने वाले को जिता रहे, 5 साल लड़ने वाले को जिताना हक मेरा है ना, मेरा इंसाफ करते हैं आप लोग, वादा है इस बार भाई बिल्कुल बिल्कुल वादा, इसमें जाना आप जरूरी है आप आना बस, पब्लिक का ख्वाहिश बनाना जरूरी है खानदान के साथ, वायदा है आपका साहब, दो बार हार रहा हूँ हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, तीसरी बार है मेरे साथ इंसाफ करना है इस बार आप लोग, हाँ आगे बढ़ो आप पीछे एरिया में जाइए आप लोग 20 खंभे हैं, एक में लड़ बताइए फोटो मार के भेजे काउंसिलर से लेके सब को भेजे JEE तक को भेजे, अभी तक उसका रेस्पॉन्स नहीं, 5 साल हुआ सब एक खंभे को लाइट नहीं, अब वो बोल के क्या है घर के लाइटा जला के बैठ रहे, हमें भी उनका लेडीज फिरते ना था, अब हम भी बंद करे बोले लेडीज कहता था, वार्ड आता है 14 है वार्ड नंबर 14 है अली खान साहब का वार्ड है, मेरा नंबर लो आप कार्ड लो ये उसके डिटेल्स मेरे को एक मेरे को व्हाट्सअप करो, ABCD जब तक जिंदा हूँ BJP के खिलाफ लड़ता हूँ, BJP के खिलाफ लड़ने वाले को साथ दीजिए आप, BJP के नाम से डराने वाले को साथ मत दीजिए, बिल्कुल करना अरे बिल्कुल डरना था इस बार आप लोग खुल के आपका साथ पक्के तुम सब लोग साथ देते बोल तो ठहरता हूँ, खुल के आप लोग साथ दे रहे हैं इस बार साथ दीजिए।
फायदा है आप लोगों का, आप लोग टेंशन नहीं लेता मैं अपने, मगर एक वायदा ये करना आज से सब लोगों को बोलना शुरू करेंगे हम नासिर उस्ताद के साथ हैं बोल के, असेंबली में बाहर हैदराबाद कम से कम हैदराबाद कर्नाटक में जो भी मिली मसाइल रहेंगे आपका भाई नजर आएगा सामने, लड़ता हुआ नजर आएगा, बेबाक होकर लड़ आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए आप। हाँ इंशाल्लाह नासिर उस्ताद MLA इलेक्शन में ठहरेंगे तो हम दिल से और दिल से लगा के उनको जिता के लाने की मेहनत और पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग, और BJP की चड्डी खोल के बताएंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, पाशापुरे पर रहने वाला हूँ मैं। गुलबर्गा क्या होंगे नासिर उस्ताद को जिता को लाएंगे तो गुलबर्गा सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा गुलबर्गा। आगे चल को अभी राशन के चावल है, राशन चावल भी नसीब नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, और गरीब बसत मर जाएगा। फिर BJP क्या है मालूम है, अपने खाली खाना भर लेना, अपने वाले खाना पार्टी वाले इनके, दूसरा कोई नहीं खाना। गरीब कहा भी देखो मुसलमान के गरीब खाली भीख मंग रहे हैं, उनके मंग रहे हैं तो दिखाओ हमारे को, ऊपर से हमारे उस पंजाना मारते रहे तीनों। ये गुजारिश करता हूँ मैं नासिर उस्ताद को जिता के लाएंगे इंशाल्लाह, ये मसले पूरे हल करेंगे नो। हम आप एक ही थे जरूर जरूर, जब तक हूँ मिल्लत के लिए लड़ते रहता हूँ हिम्मत से ठहरता हूँ, 5 साल में एक बार, 5 साल पूरा हम लड़ते रहते हैं हिम्मत से, एक बार आप भी जरा हिम्मत करके नासिर उस्ताद के साथ हैं बोल के बोलना शुरू करें ना, आगे ही होता है। हम एक सियासी पार्टियों का वो ये ऐसा वैसा वो लड़ने वाले का साथ मजबूती से हम ठहरेंगे, वायदा है आपका। इंशाल्लाह हम तो ये करेंगे नासिर साहब जीतेंगे तो हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे हम कल नासिर उस्ताद को शिकायत डाले उस्ताद को बोल डाले हवा में काम करने वाले। इस बार जरा अभी से सब लोगों को बोलना चाहिए, वादा कीजिए साथ से साथ देंगे। 2 इलेक्शन लड़ा हो ये 3रा इलेक्शन है, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, 3रे इलेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए निकले हैं हम शॉप टू शॉप मुलाकात करने के लिए। जो आदमी कंटिन्यूसली फाइट कर रहा है उसकी बॉडी बनना चाहिए, कि घर में बैठ के जो है बॉडी बिल्डिंग की वीडियो देखे तो उसकी बॉडी बनती है। क्या करना, ठहरना इलेक्शन इंशाल्लाह आपका जरूर साथ, खुल के साथ देना है इंशाल्लाह, बिल्कुल साथ देने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह उनको कामयाब करिए, नासिर हुसैन उस्ताद बहुत बड़े हस्ती है इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करिए, बस इतनी गुजारिश करता हूँ। हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आप भी कोशिश करिए, सब मिलके कोशिश करें तो कोई ना कोई अगर आवाज़ उठाएगा तो इसके खिलाफ़ कुछ होगा, BJP के खिलाफ, वरना BJP ऐसे ही बढ़ती रहेगी और मुसलमान घर में बैठ के बोलता रहेगा। इंशाल्लाह कोशिश करिए, घर में बैठ के बोलने से मोबाइलों में देख के ये सब जुल्म देख के कुछ बोलने से नहीं होता, आगे बढ़ के कोशिश करिए इंशाल्लाह। ये पिछली बार मैडम को वोट दे के देखे थे, कुछ भी काम तो नहीं हुआ, मगर इस बार नासिर उस्ताद साहब को एक वोट दे के देखेंगे, अब तक कुछ भी काम तो नहीं हुआ। नासिर उस्ताद साहब को वोट दे के क्या मालूम है, उनको एक बार उनको भी एक बार मौका देंगे। आपके खामोशी क्या हो रहा है? जी जी, चंद लोग ऐसे ये हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम लोग माहौल बदल सकते हैं, नहीं नहीं, आपकी खामोशी ही उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। सही सही सही, क्या इलेक्शन ठहरना नहीं ठहरना, देख रहे हैं 5 साल लड़ रहे से देख रहे हैं, थोड़ा आप हिम्मत करके इस बार आदमी होना पड़ता है, मदद नहीं अभी ऑर्डर स्कूल में है, उनकी डांस करे ना वो उनकी बेटी है, दिल्ली पुकारे आजा, उनकी बेटी है, दिल्ली पुकारा और एक राजा बाबू, बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी है बच्ची आपकी, अच्छा डांस करी। अब इलेक्शन तो काफ़ी टाइम है, ज़रा आप सब लोग अभी से खुल के साथ देते हैं बोल तो आगे बढ़ सकते हैं। जी अभी से जब भी बैठ रहे हैं उठ रहे हैं ज़रा खुल के। जी मैं तो गुफरान भाई के साथ में सुनता हूं। अब गुफरान भाई को बहुत बड़ी जिम्मेदारी, गुफरान भाई मदर भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम जिम्मेदारी लो, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार उनको अड़ोस पड़ोस में सब लोगों को बोलने की वादा है। जी जी ठीक चला, ठीक है दुआ, 2 मिनट का बहुत लोग हैं अभी, बहुत आगे तक जाना है, वादा कीजिए आप साथ देंगे इंशाल्लाह। ये गुलबर्गा नॉर्थ 21 सीट का मामला नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट के जितने मुस्लिम इश्यूज रहते हैं 1 ही सीट है जहाँ तक मुस्लिम जीतती है,
तो इसीलिए हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों की एक आवाज़ बनता हूँ इंशाल्लाह, साथ दीजिए इंशाल्लाह। नॉर्थ के अंदर ये कॉर्पोरेटर बोला, वो बोला, उन्होंने बोला नहीं, हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक आवाज़ बनता हूँ। हिम्मत है, जरूरत है, अगर आपको महसूस हो आप मैं जीतने के बाद खामोश रह रहा हूँ, आपका सीना अगर फ़कर से चौड़ा नहीं कराया तो जब उसके बाद मेरे को कभी बिल्कुल ठहरना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठहरना चाहिए, ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। आप पूरी हिम्मत के साथ साथ बिल्कुल इंशाल्लाह दुआ में भी शामिल इंशाल्लाह। 5 साल सब लोग नासिर अच्छा है, लड़ता है, कन्नड़ अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, सियासी समझ है, बोल रहे हैं कर रहे हैं, वोट डालते थे लड़ने के लिए। हम 300-400 वोट है मेरे पे इंशाल्लाह, हिदलो कॉलोनी में भी है, मेरे को मालूम है, और यहाँ जमजम में भी है पूरे इंशाल्लाह, खुल के हाथ से ही बिल्कुल। हिम्मत भाई बोल दिए, खिलाफ हालात बहुत नाजुक हैं, आप लास्ट इलेक्शन भी सिंपति के नाम पे बीजेपी के डर से वोट डाल रहे हैं। अरे भाई वोट तकसीम हो तो बीजेपी जीतती है, वो ये बातें, ये किस्म की बातें आखिरी मोमेंट में कोई आ रहे हैं उसको बदल रहे हैं। अभी बड़े बड़े जो मार्केट के जो ताजिर हैं वो अभी सोच रहे हैं। मैं आपसे इसलिए आ रहा हूँ कि आप लोग हिम्मत करके मेरे को साथ देने का वादा करें तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वो आखिर तक सोचने वाले हैं। हमारी ख्वाहिश है उस्ताद, ख्वाहिश आपका ख्वाहिश स्पीच होने, आपका आपका काम करने का अंदाज बहुत पसंद है, तो हिम्मत से आज से ही शुरू करेंगे काम। आप मेरे को वायदा करो इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ। जब तक ये गुलबर्गा नॉर्थ की एक ही सीट, एक सीट का मामला नहीं है, हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीट जीत के आती मुसलमान की असेंबली में आवाज़ उठाने की, हैदराबाद कर्नाटक हमको मालूम है, तो आप सब मेरे को वायदा कीजिए आज से आप सब लोगों को बोलना शुरू करें, आप ही नासिर हुसैन उस्ताद समझ के काम शुरू देना। आप लोग खामोश बैठे ना, खुद देख कर देखे, अब एक बार नासिर उस्ताद को भी देंगे इंशाल्लाह, अब हम सब मिलकर दिए तो नासिर उस्ताद की ये करना जरूरी है, इजाजत है नहीं, बिल्कुल इजाजत है, मैं समझता हूँ ये लाइन के 80% लोग तो नासिर उस्ताद बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, 80% चेंज करना उनको चाह रहे हैं, अल्लाह चाहे तो 100% भी होगा। गर्गा रोड पे 80% लोग तो तकरीबन नासिर उस्ताद बोलकर तकरीबन लोगों का खुशी से इजहार कर रहे हैं। मेरे नज़र में तो इंशाल्लाह इस बार मौका अब सबको देखकर तो तकरीबन देखे सुने लोग, आप लोग भी जाहिर सी है समझ जाते हैं, ये एक मौका देना चाहिए नासिर उस्ताद को। आज तक तो मैं तो 80% तो लोग एक बोलते हैं करते हैं, मगर अल्लाह की मसलियत है, अब इस बार मैं समझता हूँ 80% हागरगा रोड से लोग तो यही बोल रहे हैं कि नासिर उस्ताद को हम इंशाल्लाह जिताएंगे। मेरा भी हम सब का ये कहना है इस बार नासिर उस्ताद को देना हमारे लिए बेहतर है, लाना है, लाना है, ताकि अब हालात आप हम सब तो जानते हैं, उस दरमियान के हिसाब से अगर देखा गए तो नासिर उस्ताद बेहतर है हम लोग के लिए, हम लोग सब एक होकर एक मजबूती से अगर अगर हम लोग जिता कर लाना है तो नासिर उस्ताद को लाना है इंशाअल्लाह ताला, ये हम सबका तो कहना है। आवाम समझना, कांग्रेस भी देखे, बीजेपी भी देखे, जेडीएस भी एक बार देखना, बोल के आवाम समझना, वो हमारे मुसलमानों में समझ आ जाना सब देखें। दो बार हुआ है, तीसरी बार के लिए फिर आगे बढ़ रहा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, आप सब लोग इस बार मेरा इंसाफ कीजिए, एक मौका दीजिए। खमर साहब लड़ते थे कब जो भी है, अब मेरे को मौका दे के दो, असेंबली में भी गरजता हूँ बीजेपी के खिलाफ, मौका तो देना ना बढ़ने का। दुआ कीजिए मेरे लिए, आपका वायदा चाह रहा हूँ, आप लोग साथ देंगे एक बार, बिल्कुल साथ जैसे हम आपके दोस्त है, रिश्तेदार सब बिल्कुल, दुआ में भी आप लोग शक्कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, एक कोर्ट गुलबर्गा के पूरे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है, हैदराबाद कर्नाटक एक मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है, वो जरा सोचिए आप अपने दोस्त कौन बोल रहे हैं, रिश्तेदार कौन बोल रहे हैं, मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर कौन ना कर रहे हैं आप साथ देने का, आपके घर में दोस्त है वो सबको बोलना, आप लोग इस बार साथ देते बोल के वायदा करें तो आगे बढ़ते, आप लोग साथ देने का वायदा कर रहे हैं आज ही इस बार, मेरा साथ भी देना, वोट भी देना।
इलेक्शन ठहरना का नहीं ठहरना पूछने आए हो? आप मेहनत करने वाले जरा खुल के बोले तो साथ देते हूँ बोल के मैं हिम्मत से करता हूँ। बिल्कुल साथ देंगे। आप लोग जरा 19-20 करते रहे, पैसे वाले आपको माहौल बिगाड़ रहे, गरीबों के लिए लड़ने वाला हूँ। नहीं साथ देंगे हम, इस बार साथ दीजिए, जब तक हूँ आपकी आवाज़ बनकर रहूँगा। अब उसको अभी से काम शुरू करना है। बिल्कुल अभी से जो है बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप आखिरी तक आप लोग खुल के बोलना, लोगों को बोलना शुरू करो, मेरे को बोलना मत, लोगों को बोलो, माहौल के अंदर एक मजबूती आती है। ये बार के फैल गए तो आप सपोर्ट करना है हमारे को, आपके दोस्त रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जितने को बोल सकते बोलते हैं, ये फायदा मेरे को करो, फायदा है। मुबारक साहब, बहुत बेहतरीन खुशी हो गई, हमारे को इंतहा खुशी हो गई, हमारे को ये हो रहा है आखिरी तक भी इलेक्शन की पोजीशन। आप लोग आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जी, आप लोग दानिशमंद लोग हैं, आप कल्चरल मुशायरे ये वो हर चीज़ में आप बढ़ चढ़ के रहने वाले लोग, आप लोग एक जहन रखते हैं, आप लोग जितना खुल के बाहर आएंगे सर हमारे दरमियान बातचीत होते रहती है। नहीं, हो रहा क्या है, आप लोग खामोश रहने से चंद लोग शहर के ठेकेदार बन रहे हैं, वो लोग फिजा को आखिरी मोड़ में बदल सकते हैं, बोलने का रहे हैं, मिल्लत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, गैर मुनासिब फैसले ले रहे हैं, इसीलिए आप लोग अभी से क्योंकि आप एक सोच रखना खुल के बाहर आइए। आप अपने इंशाल्लाह हम पूरी तरह से देखिए, पूरा गुलबर्गा आपके हाथ में है, आज जिस व्हील पावर से आप बात कर सकते हैं वो कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसमें व्हील गट्स ऐसे आपके जैसे, आपके पूरे कारनामे पूरा गुलबर्गा देख चुका है और आधे से ज्यादा लोग आपके फेवर में है। ये मेरी पूरी कोशिश है, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं जिक्र करूँगा और आपके हर काम की खबर देते रहूँगा। शुक्रिया। का नाम था, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम देख रहे भी, हम कोशिश ये है मान देख, हमारे भी एक भाई है, देश वाले तो चले गए, हमारे साथ देंगे इस बार, वायदा है पूरा। हाँ, मैं वायदा करता हूँ आपको, आपकी आवाज़ बन के लड़ता हूँ जब भी, हाँ मिल्लत के खिलाफ जो भी आवाज़ उठे उसके साथ लड़ता हूँ। हाँ, आप लोग इस बार खुल के वायदा करो साथ देने, अशोक साहब को पूछ सकते हैं इस बार, जरा अभी से जरा सब लोगों को बात की, ठीक है, इसलिए अभी से जितने लोगों को बोल सकते खुल के हिम्मत से बोले, चंद ठेकेदार हैं जो माहौल बिगाड़ते आखिरी में, वायदा है आपका, आज से घर में सब लोगों को बोलेंगे आप, अड़ोस पड़ोस दोस्त अहबाब सबके लिए, ठीक है सर, इस बार जो है ना इंशाल्लाह किसी हालत में जो है ना आपकी जीत होना है। आप लोग मेरे को वायदा कीजिए अभी से आप लोग मेरा साथ देने के लिए सबको बोलेंगे आप, इंशाल्लाह बीजेपी जीतती बोल के 5 साल जो है किसी इशू में बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करे कांग्रेस वाले, 5 साल फिर लड़ रहे हैं हम, एक बार बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना है बोल के अभी से लोगों को बोलना शुरू की, वायदा करो मेरे को, वायदा है। लास्ट में माहौल कैसा बनाते हैं क्या बनाते सब वाकिफ हैं, इस बार कोई क्या बोले नहीं, इस बार साथ देना है, वायदा है आपका, आप लोग खुल के साथ देते बोल तो फिर तो करिए करिए 5 साल लड़ रहे सो देख रहे ना, हर इश्यू के अंदर आगे बढ़ चढ़ के लड़ रहा हूँ, आखिर में आके लोग बीजेपी का डर बताते हैं, अरे कांग्रेस लड़ सकती है, वैसा वैसे बातें होते हैं, मैं इतना ही बोल रहा हूँ बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले को साथ, बीजेपी का डर बताने वाले को साथ की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब देखना है, जरूरी है, वायदा है आपका, सब लोग आज से ही बोलना शुरू करना, काम करेंगे, आज इस मौके पर हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब को इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी अता फरमाए उनको, या हम जिताएंगे उनको, पूरे एक होंगे इंशाअल्लाह और उनको जिता कर रहेंगे हम। नासिर साहब इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने हर हिस्से में बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि आगे बढ़ते हैं हर मामले में और उनको ही जिताना है हमें। मैं आपको वायदा करता हूँ गुलबर्गा नॉर्थ ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पूरे मुसलमानों के आवाज़ है ये सीट, क्या भी मामला रहेगा मैं बढ़ चढ़ के आगे लड़ूंगा इंशाल्लाह, मेरे को साथ दीजिए आप, आपका 1 वोट 50 वोट का है, आप लोग यहाँ वोट डाल के, अरे हमारे को उन्हें फला कॉर्पोरेटर बोले, हमारे जिम्मेदार बोले,
कारपोरेटर का इलेक्शन हो गया, मिल्लत के अंदर अच्छा लीडर कौन होना वो इलेक्शन है। आपके लिए जब तक जिंदा हूँ आवाज़ बुलंद करते रहता हूँ, ये 5 साल हिम्मत कराओ ना मैं आगे बढ़ने की, एक महीना हिम्मत करो आप लोग, वायदा है आपका, मजबूती के साथ रहेंगे। देखिए तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ अदबन कि हमारे पिछले जो वक्त गुजर गया है कांग्रेस के पीछे पड़े खमर साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह खमर साहब हैं जी। अब जो हम मैडम को ले कर आए थे, मैडम को लाने की वजह से हमारा जो वक्त नुकसान हुआ है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि नासिर उस्ताद साहब को लाइए, अगर आप ले करेंगे तो आने वाले वक्त में जो है ना नया सितारा चमकेगा, ये नया सितारा चमकेगा और अच्छे बुरे वक्त में हमारे केस हैंडल करना, हमारे मामला को हैंडल करना, हमारे अच्छे बुरे वक्त पे आवाज़ देना। मैं अदबन ये गुजारिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को लाना है तो नासिर उस्ताद को लाना। जब तक हूँ फैसिस्ट फोर्सेस आ रहे से उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ता रहूँगा। आप खामोश बैठने से क्या होता है, लोग दूसरे लोग आके माहौल हम बदल सकते हैं बोलने की हिम्मत आ रही है लोगों को। 15 दिन में हम बाहर निकलेंगे, बदलते हैं बोल रहा हूँ। वो ऐसे लोग हैं जो 5 साल तक घर में बैठने वाले हैं, उनको किसी आड़न के अंदर जेल जाने के बाद उनको तकलीफ़ नहीं होती। कोविड के अंदर हमारे 5,000 टू व्हीलर पकड़े गए तो उनको तकलीफ़ नहीं होती। उलमाए कराम को जो है कोविड में मार रहे हैं उनको तकलीफ़ नहीं होती। हिजाब के मामले में खामोश रहते हैं। मैं बस हमारे मरकजी मस्जिद के बाहर कोई चीज़ में खामोशी है, कोई स्वामी आके जो है माइक निकालता हूँ, अजान रोकता हूँ, देखता हूँ, बोलता है इन्हों इनको हिम्मत नहीं आती, इन्हों बाहर निकलते हैं कब मिल्लत के लिए, बोलते हम बदल सकते। वो क्यों आप लोग ज़रा खामोश रह गए, देखेंगे क्या होता। सीट बचाना है, सीट बेशक बचाना है, अहम है सीट बचाना, मगर सीट बचाने के लिए बीजेपी को रोकने के लिए किसको जिताना, बीजेपी के खिलाफ जो बेहतर लड़ सकता है। फसल से लड़ने वाला मैं बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ वोट रोकने के लिए आप उनको वोट डालेंगे तो ये है।